ये फ्लाइट नंबर अबू धाबी के लिए जा रही है और लाइन ई में आपने जाना है, काउंटर ओपन है। अभी चलते हैं, देखते हैं लाइन ई कौन सी है। ये लाइंस लगी हैं ऊपर, फ्लाइट भी लिखी होती है काउंटर के सामने। बारी बारी जो है ना बोर्डिंग पास अपना ये चेक करवा के यहाँ से एंट्री करवानी है। यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और नेक्स्ट कंट्री का भी इसी वीडियो में हो सकता है मैं आपको बताऊं, जो नेक्स्ट कंट्री मैं चूज़ करूंगा और जहां पे मैंने जाना है। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। अभी मैं मौजूद हूँ किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो दमाम में है। फ्रंट से कोई इतना बड़ा नहीं लग रहा, छोटा सा लग रहा है, और कोई रश भी इतना खास नहीं है जैसे दूसरे एयरपोर्ट्स पे होता है। किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोला जाता है। यहाँ से मैं फ़्लाइट ले रहा हूँ कराची की, और रस्ते में हमारा स्टे होगा अबू धाबी में। तो जो फ़्लाइट ले रहा हूँ उसकी थोड़ी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उससे पहले आप ये एयरपोर्ट देख लीजिए, यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जाती हैं और यहाँ से ऊपर इंटरनेशनल, जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स लोग लेते हैं। यहाँ पे ऊपर इतने ज़्यादा बंगाली भरे पड़े थे, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि अभी हम बहुत जल्द आ गए। 3-4 घंटे अभी पड़े हैं हमारी फ़्लाइट को, क्योंकि पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था कि लेट हो गए थे, भाग भाग के जल्दी से बड़ी सी मुश्किल से हमने फ़्लाइट पकड़ी थी, वरना मिस हो जाती। तो इस दफ़ा हम कोई भी ऐसा रिस्क नहीं उठाना चाह रहे थे। बशीर भाई जो है ना वहाँ पे बैग्स की थोड़ी सेटिंग कर रहे हैं कि बड़े वाला बैग जो है ना ये हमने करवा देना जमा, तो जो चीज़ें जो हैं छोटे बैग में अलाउ हैं जो हम लेके जाएंगे साथ में प्लेन में, वो हम इसमें शिफ्ट कर रहे हैं, बाकी इसमें शिफ्ट कर रहे हैं। और वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बशीर भाई जो है ना वो साइड पे कर रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मेरे वो बैग्स मौजूद हैं। और हमारी सीरीज़ ये ख़त्म होगी, लेकिन ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें मैं डिटेल के साथ इतिहाद एयरलाइन का हमारा एक्सपीरियंस होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और नेक्स्ट कंट्री का भी इसी वीडियो में हो सकता है मैं आपको बताऊँ, जो नेक्स्ट कंट्री मैं चूज़ करूँगा और जहाँ पर मैंने जाना है। अगर कोई बंदा बाहर किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाके फ़्लाइट ले रहा है, तो उसको आसानी हो, उसको स्टेप बाई स्टेप इस अगर वीडियो को देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि सारा प्रोसेस कैसे करना होता है। ये देखें जी, यहाँ पे इस तरह का स्क्रीन लगी होती है जगह जगह पे, यहाँ पे भी लगी हुई हैं, वो आगे भी लगी हुई हैं। तो यहाँ पे आके आपने अपनी फ़्लाइट देख लेनी है, यहाँ पे जिस तरह ये अरबी में चल रही है, ये इंग्लिश में चल रही है। तो अभी यहाँ पर देखिए ये चेंज होती रहेंगी, थोड़ा सा यहाँ पर आप वेट करेंगे। ये इतिहाद एयरलाइन सबसे टॉप पे ये फ़्लाइट नंबर अबू धाबी के लिए जा रही है, और लाइन ई में आपने जाना है, काउंटर ओपन है लाइन ई में। अभी चलते हैं, देखते हैं लाइन ई कौन सी है। ये देखिए यहाँ पे भी स्क्रीन लगी हुई है, ये सारी फ़्लाइट्स हैं जी। ये देखें फ़्लाइट्स के लिए बोर्डिंग यहाँ से हो रही है, आपने बोर्डिंग पास लेने हैं यहाँ से बेसिकली। उसके लिए सामान वगैरह यहाँ पे आप अपना बैग बड़ा जमा करवा देंगे, छोटा बैग आप अपने साथ टैग लगवा के आपने ले जाना है। पता नहीं वहाँ पे वीडियो अलाउ होगी या नहीं, ये कुछ डिटेल है आप देख लीजिए। आपकी फ़्लाइट में जितने केजी बैग अलाउड होगा उतने ही केजी आप यहाँ पे बैग ला सकते हैं, ज़्यादा वज़न नहीं ला सकते। अगर समझ में ना आए आप किससे पूछ भी सकते हैं। ये देखिए ये सामने ये लाइंस लगी हैं ऊपर, फ़्लाइट भी लिखी होती है काउंटर के सामने, इतिहाद एयरलाइन। इस तरफ ये देखें इंडिगो, तो ये सारी फ़्लाइट्स के ऊपर स्क्रीन पे शो हो रही होती हैं। और लाइन ही में हमने दाखिल होना है अभी जाके। ये हमारे भाई सब कुछ पहले जो हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी, तो हमने बोर्डिंग में लाइन में लगे, बैग जो बड़ा था वो हमने पास करवा दिया, छोटा जो बैग था वो मेरे कवर के पीछे है। सारी चेकिंग वैकिंग होने के बाद पासपोर्ट पे एग्ज़िट की स्टैंप लग गई, और अभी हम जो है वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का। अच्छा, सारे प्रोसेस के बाद जब आप आगे आते हैं तो यहाँ पर एक और स्क्रीन लगी होती है, यहाँ पर आप अपना टाइम दे सकते हैं फ़्लाइट का, किस टाइम आपकी फ़्लाइट निकलेगी। जैसे यहाँ पर इतिहाद जो है 22:40 पे यहाँ पे निकलेगी, तो आप अपनी फ़्लाइट का टाइम देख सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि ये मेरा बोर्डिंग पास है, तो यहाँ पे ये होता है गेट नंबर, जहाँ पे आपका टाइम
और यहाँ पे बोर्डिंग और जहाँ पे आगे सीट नंबर, जैसे 25B यहाँ पे सीट नंबर, और यहाँ पे नीचे जो है ये दुबई से आगे का जहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से गेट पे जाना है और सारी ये डिटेल। तो और इस तरफ यहाँ से आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। ये सामने से लोग इस तरह आते हैं चेकिंग वैकिंग करवा के सारी। और यहाँ पे हमारे बैठे हैं बशीर भाई, वेट कर रहे हैं यहाँ पे, हम भी बैठ के वेट करते हैं इनके साथ। अच्छा, एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ये जो टाइम शो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि ये टाइम जब ख़त्म होगा तब यहाँ से आपने जाना है। यहाँ पे आपने आके बैठ जाना है, यहाँ पे जैसे अभी लाइन बन रही है हम जाके लाइन में अब लगेंगे और जो अपना प्लेन है उसमें हम इंटर हो जाएंगे। तकरीबन आधा घंटा एक घंटा पहले यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। अभी ये ऊपर लाइन बनी हुई थी, लाइन से हमने बोर्डिंग पास और पासपोर्ट यहाँ पे चेक करवाया, स्कैन करवाने के बाद अभी जा रहे हैं अपनी फ्लाइट की तरफ। जहाँ से बिल्कुल सामने ये हमारा प्लेन लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है। जा रहे हैं अभी यहाँ पे बारी बारी जो है ना बोर्डिंग पास अपना ये चेक करवा के यहाँ से एंट्री करवानी है हमने। बशीर भाई जो है ना बहुत थके हुए हैं इनकी नींद नहीं पूरी हुई कल की। खैर मैं भी नहीं सोया हूँ, लेकिन जो एक्साइटमेंट में वो नींद भी ख़त्म हो गई मेरी। आई एम गोइंग अगेन इन इतिहाद एयरलाइन। ट्वेंटी फाइव बी मेरी यहाँ पे सीट है और यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है ABCD इस साइड पे, मतलब FED जो वाले जो हैं वो इस साइड पे, तो हमें B है तो B इस साइड पे हमें ढूंढनी है। 10 है, 10 से आगे थोड़ा ये इकॉनमी में मैं सफ़र कर रहा हूँ। इस प्लेन में देखें यार हमें कोई LCD नहीं मिली है, लेग स्पेस भी मतलब टच तो नहीं होती लेकिन बहुत कम है। पैसे तो हमने उतने ही पे किए हैं जितने पहले पे किए थे, लेकिन ये प्लेन कोई और है, बहुत ही छोटा है, इसमें एक ही जोन है, सिंगल लाइन है, बहुत ही छोटा सा प्लेन है ये देखिए। फाइनली जी हमारी फ्लाइट निकल चुकी है, लाइट्स ऑफ हो गई हैं। बाहर विंडो से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर फ्लाइट हमारी जा रही है और अभी यहाँ से टेक ऑफ करेगी। सीट बेल्ट सभी ने बांध ली है। यहाँ पे ऊपर कुछ कंट्रोल है, यहाँ पे फैन भी होता है, यहाँ पे आप ना इसको अगर ऐसे घुमाते हैं ना तो यहाँ पे ये फैन है और यहाँ पे ये लाइट, इस तरह इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग सीट की अलग अलग लाइट है। यहाँ पे एक छोटा सा बर्गर है, चीज़ बर्गर है, साथ में कुछ नमकीन एक बोतल हमें मिली है, साथ में ये टिशू है, साथ में ये किटकैट चॉकलेट है। वैसे उम्मीद नहीं थी कि हमें यहाँ पे कुछ खाने को मिलेगा, अगर मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं यार इतिहाद एयरलाइन वालों ने ना दिल तोड़ दिया मेरा, यकीन करें। फुल हलचल मच गई है, जैसे बस स्टेशन पे पहुंच जाए तो इतनी हलचल मच जाती है ना। हम तो बैठे हैं भाई, हम तो लास्ट में चले जाएंगे, हमें कोई जल्दी नहीं, हमारी अगली फ्लाइट जो है 10 घंटे बाद जानी है, तो हमने तो जाके एयरपोर्ट में भी सो जाना है, हमारी नींद नहीं पूरी हुई है। गेट तो ओपन हुआ नहीं है, बस सब अपने बैग वैग निकाल के खड़े हो गए हैं, निकल चुके हैं और यहाँ पे
ये देखो भाई नींद में ना एलिवेटर पे भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा है इस पे। तो यहाँ पे ये पीछे बेल्ट लगे होते हैं, यहाँ पे आपने ना अपना ये जीन्स में जो आपने बेल्ट पहना है ये उतारना होता है, अपना बैग, वॉच और जितनी भी मतलब आपके पास स्टील की चीज़ें, आयरन की चीज़ें सब कुछ आपने, ये मतलब छोटा पर्स भी है वो भी आपने उसमें, वॉलेट वगैरह सब कुछ उसमें डाल देना है। मशीन से ऐसे गुजर के आएगा, सारी उसकी ऑटोमेटिक चेकिंग हो जाएगी, कुछ खोल खोल के नहीं देखेंगे। ऐसा ही पाकिस्तान में, ऐसा ही जहाँ पर भी हम एयरपोर्ट में गए ऐसी चेकिंग होती है। दूसरी जानब जब वो ट्राली से निकलती है उसमें से आप अपनी चीज़ें निकाल के सारा कुछ पहन लेते हैं, बस जगहों पे तो आपको ये अपर भी उतारना पड़ता है। तो खैर यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं, ये है जी अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई का, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए गोरे वोरे यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे चलते फिरते, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट। अभी हम हमारी कनेक्टेड फ्लाइट है ना, तो अभी हम इस साइड पर हैं। अगर आपकी आपने यहीं पे आना है तो वो पीछे से ही आप टर्न लेके बाहर वाली साइड से निकल जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ से अभी अपनी फ़्लाइट लेनी है। यकीन करें बड़ी नींद आ रही है, तो हमने यहाँ से ना फ़्लाइट लेके सीधा जाना है कराची की तरफ। तो थोड़ी देर के लिए सोएंगे, बैग वैग यहाँ पे रखते हैं और अपनी नींद लेते हैं। और नींद के क्या लेनी, मतलब तीन चार घंटे सोएंगे और उसके बाद जहाँ से हमें नेक्स्ट बोर्डिंग के लिए यहाँ से निकल जाना होगा। तो ये थी जी हमारी सीरीज़, आई होप आपको हमारी सीरीज़ पसंद आई होगी सऊदी अरेबिया की। नेक्स्ट कंट्री की जो सिलेक्शन है उसकी कम्युनिटी टैब में मैंने कुछ सिलेक्शन लगा दी, उसमें से आप मुझे सजेस्ट करके बता सकते हैं कौन सी कंट्री में नेक्स्ट जाना है, तो इंशाल्लाह उसी को चूज़ करके नेक्स्ट कंट्री का इन्हीं हफ्ता दो हफ्तों में ही हम ना इंतखाब करेंगे और निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन और हमने नहीं डालने। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में किसी नई कंट्री में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।